Hello everyone and welcome to the yet another session of chapter 2 math 1 which is called arithmetic progression. As we know that we have seen in this chapter, we are going to cover a variety of questions starting from first term common difference, finding the nth term jisme humne teen tarah ke questions dekhe, finding the sum of nth term of an AP and the last being applications of AP. The good part is we have covered the majority part of the chapter, matlab how to find the sum of n terms of an AP, yahan tak humne kar liya. Which leaves us with the last objective, that is to be able to solve questions that have applications of AP. That is the objective for today, that we will be able to interpret and solve questions based on applications of arithmetic progression. So you can pause the video, put the date, start writing that this is the new objective that we are doing. हमारे पास कुछ real life examples होंगे AP के और हम लोग उसके basis पे word problems solve करने वाले हैं. Before we move on directly into questions, let's think of some real life examples of AP. AP के कुछ examples क्या हो सकते हैं? आप लोग video pause करके सोच सकते हैं. मेरे दिमाग में जब AP की बात आई, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया मुंबई ऑटो रिक्शास. But what in Mumbai auto rickshaws? It was the meter charge of Mumbai auto rickshaw जिससे मुझे AP की याद आई. कैसे? आपने देखा है मीटर हमेशा शुरू 18 रुपए से होता है, बट देन एज यू कीप ऑन मूविंग एवरी किलोमीटर वो धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ता रहता है. द अमाउंट इंक्रीजेज इन सच अ वे दैट पहले किलोमीटर के लिए आपको 18 रुपए फिक्स चार्ज देना पड़ता है, उसके बाद हर किलोमीटर पे इट कीप्स ऑन एडिंग 12 रुपीज एक्स्ट्रा. सो पहला किलोमीटर चला 18, फिर नेक्स्ट किलोमीटर चला आपने 12 रुपये और ऐड किया, फिर नेक्स्ट किलोमीटर में और 12 रुपये ऐड किए, फिर नेक्स्ट में और 12 रुपये ऐड किए, एंड इन दिस वे इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो देखो हियर यू कैन सी दिस इज एन एपी, दिस इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 12 हो गया क्योंकि हर केस में 12 ऐड हो रहा है. और ऐसे आप कोई भी टी एन टर्म फाइंड कर सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो कि अगर आपने 20-30 किलोमीटर चला तो वो कौन सा टर्म होगा, कितने पैसे बने होंगे. You can think of your own examples of AP like this and there are many of them. I would love to hear some examples from you when we move to the class. Moving on from here, today we will be solving some questions on AP. But to be able to solve any question of AP, hame kuch fixed cheeze hain jo bar bar find karni hoti hai. Isliye AP ke questions thode easy hai kyunki variety of questions thode kam hote hain. Kaise? Kisi bhi question mein aapko teen hi cheeze pooch sakte hain. या तो वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में n निकालने के लिए, मतलब बाकी सब कुछ गिवन होगा आपको n नहीं पता होगा, या तो वो आपको बोलेगा tn निकालने, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है tn नहीं गिवन है, या फिर sn निकालने, सम ऑफ n टर्म्स निकालने. क्या सिचुएशन कैसा होगा, क्या यूज़ करना पड़ेगा वो हम लोग आगे सीखेंगे. बट इन एनी क्वेश्चन वेयर वी आर हैव टू फाइंड n एंड और tn, वी विल यूज़ द tn फॉर्मूला जो हमने सीखा था. टी एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी. तो एन और टी एन यूज करना होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. कहीं पे अगर एस एन निकालना होगा देन वी विल यूज द सम का फॉर्मूला, एस एन इज एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन क्या फाइंड करना है, ये दो ही फॉर्मूला है जो किसी भी क्वेश्चन में यूज होंगे, इनके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको. ओके, वी विल अंडरस्टैंड दिस बेटर बाई सॉल्विंग अ एग्जाम्पल. So you will write down this question, pause the video, write down the question. The question says, Anwar saves some amount of money every month. Okay, हर महीने अनवर कुछ पैसे जमा कर रहा है. In the first 3 months, he saves 200, 250, 300 respectively. मतलब अगर उसने जनवरी से पैसा जमा करना शुरू किया, जनवरी में 200 सेव किया, फरवरी में 250 सेव किया, मार्च में 300 सेव किया, एंड सो ऑन, ही इज सेविंग हिज मनी. आई वॉन्ट टू नो इन विच मंथ विल ही सेव रुपीज 1000. मतलब इसने देखो पैसे धीरे धीरे जमा जो कर रहा है उसका अमाउंट बढ़ रहा है. पहले महीने में 200 था, फिर उसने 250 सेव किया, फिर उसने 300 सेव किया. ठीक है, कौन से महीने में वो 1000 रुपये सेव करने वाला है, दिस इज वॉट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क मी. So once you have written down the question, I would appreciate if you could put down the steps also one by one. So किसी भी AP के question को solve करने के लिए हमारा सबसे पहला काम है AP create करना. तो इस question में AP create करना हमारा पहला काम है. So as you can see, his savings for 3 months have been given 200, 250, 300, right? You can first understand and then pause and write the solution for the questions.
इसका मतलब सिंपल है ना, मेरा एपी तो बन गया 200, 250, 300, 350, 400 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, राइट। सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन टू मी। सो फ्रॉम ऑल दिस इंफॉर्मेशन क्या क्या मुझे पता चल गया, मुझे पता चला फर्स्ट टर्म कितना है 200, कॉमन डिफरेंस क्या है 50, पी एन मुझे nth टर्म गिवन है क्वेश्चन में, इट सेज इन विच मंथ विल ही सेव रुपीज 100, हजार रुपए वो कौन से वाले महीने में सेव कर रहा है, ओके। तो मुझे टी एन गिवन है, मतलब अगर ये एपी है 200, 250, 300, ये 300, 350, 400 होके कब 1000 बनेगा ये मुझे फाइंड करना है, मतलब टी एन गिवन है, एन मुझे नहीं पता। सो द थर्ड स्टेप इज आई नीड टू नो व्हाट इज इट दैट आई नीड टू फाइंड, इन दिस केस आई नीड टू फाइंड एन। जब आपको ये पता चल गया तो आपको सोचना है देन विच फॉर्मूला शुड यू यूज, शुड यू यूज द टी एन फॉर्मूला और द एस एन फॉर्मूला, एंड इन दिस केस अगर आपको एन निकालना है तो येस यू विल बी यूजिंग द टी एन फॉर्मूला। नाउ यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, अब आपने इसके आगे सारा काम किया है, वॉट यू हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सॉल्व इट एंड राइट द आंसर स्टेटमेंट। सो प्लीज पॉज द वीडियो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड ट्राई टू सॉल्व टू सी व्हाट मंथ इज 100 rupees, 1000 rupees गेटिंग सेव्ड। येस सो वेन यू डू द कैलकुलेशन इट इज इन द 17th मंथ दैट अनवर इज सेविंग रुपीज 1000, मतलब जैन फेब मार्च ऐसे करते करते 17 महीने के बाद में जो वो सेविंग करेगा वो 1000 rupees की सेविंग होगी। This is what the question was asking and this is how we have solved it. You can pause and check the steps. We have been solving questions like these multiple times before. Moving on to the next question. एक और तरह का question solve करने की कोशिश करते हैं। Again, pause the video, write down the question. In a year 2010, in the village, there were 4000 people who were illiterate. ठीक है? तो 2010 में 4000 लोग थे who were literate, who could read and write. Every year the number of literate people is increasing by 400. Har saal 400 people are increasing, okay, who can read and write. How many people will be literate in the year 2020? To maine 2010 se shuru kiya, har saal 400 log add ho rahe hain, mujhe pata karna hai ki jab 2020 wala year aayega tab kitne log literate honge, okay. So write down the question. You have the steps in front of you. Take a minute, pause the video and just think or write for yourself how would you proceed with this question and then we will have the solution in front. So please pause and try yourself. Now you might write it in different ways, ठीक है, सबके लिखने का तरीका अलग हो सकता है, but I am just writing it to make it simpler for us to understand. So इस question में क्या given है, अगर directly मैं देखूँ तो question में given है starting year 2010 था और तब there were 4000 people who were literate, okay. So if this is the year 2010, there are 4000 people who are literate. Next year 2011, 400 log aur add karne the mujhe, it becomes 4400. Next year 2012, aur 400 log add karne the, which becomes 4800, and so on. This is continuing. What I don't know is 2020 mein kitne log literate honge. Now if you count on your fingers, if 2010 is the first term, 2011 is the second term, 2012 is the third term, then 2020 is the 11th term. मतलब आपको n 11 पता है, आपको t 11 find करना है. 11 number position पे इस AP में क्या term है ये आपको नहीं पता. आपको A पता है, D पता है, N पता है, पर T N नहीं पता. Okay? So yes, what we are going to do, we are going to use the TN formula over here. Again, substitute the values, check what is the answer that you are getting, try it for yourself. And here it is. When we solve it, we get that in the year 2020, there will be 8000 people who will be literate. It is increasing 400 every year. And then it reaches 2020, जो 11th year है हमारे AP का, तब तक 8000 लोग literate हो चुके होंगे. So this is how we have broken down the question, created a mathematical question out of it, and then solved it to solve real life problems. Because आपको पता है, math का काम ही यही है, आप problem solve करना सीखते हो ताकि आप real life में problems solve कर सको, okay? Now there's a try yourself question.
please note down this question. Try to solve it for yourself. The answer for this we are going to get immediately after this when we come back to our Google Meet classroom. So note down the question, try yourself. When we meet after this right now in the Google Meet, we are going to check the solution for this. The question says a taxi charges rupees 12 for the first kilometer. जैसे आपकी ऑटो रिक्शा में है ना, वैसे यहाँ पे एक टैक्सी है जो स्टार्टिंग के किलोमीटर के 12 रुपए चार्ज करता है. उसके बाद हर किलोमीटर के लिए वो 6 रुपए ऐड करता रहता है. ओके, सो स्टार्टिंग इज 12 एंड देन यू आर एडिंग 6 फॉर एवरी किलोमीटर. व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, अगर मैंने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो मेरा कितना पैसा बनेगा. हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स. ट्राई द क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ, टेक सम टाइम, वी विल सी द सोल्यूशन व्हेन वी मीट इन द गूगल क्लासरूम. बट बिफोर वी कम टू आर क्लासरूम, वन थिंग आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट यू टू थिंक इज, वॉट इज समथिंग न्यू दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन. ओके, यू हैव ट्राइड समथिंग न्यू, यू आर सॉल्विंग न्यू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वॉट इज इट दैट यू आर गोइंग टू लर्न बैक फ्रॉम दिस सेशन. आई विल इन्वाइट कमेंट्स व्हेन वी कम बैक टू आर क्लास. Thank you so much for joining. Thank you so much for this class. Looking forward to meet you again back. Have a nice day. Bye-bye.